नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं राजमा मसाला। इसके लिए मैंने राजमा को भिगो के रख लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और एक चम्मच नमक और इसे हम कुकर में अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए राजमा उबल गया है। अब हम इधर प्याज काट लिए हैं, टमाटर और लहसुन भी छील लिए हैं। अब हम एक मिक्सी के जार में टमाटर डाल के इसके पीस लेंगे। देखिए पीस लिए हैं। अब हम एक जार में अदरक, लहसुन, जीरा गोलकी डालेंगे और हरा मिर्च डालेंगे, गोटा लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी हम पीस लेंगे। देखिए पीस लिए हैं। अब हम इधर गैस में कढ़ाई गर्म होने रख दिए थे, इसमें डालेंगे तेल, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे, एक गोटा लाल मिर्च डालेंगे, अब कटा हुआ प्याज डालेंगे इसमें और चलाते हुए इसे भुनेंगे। देखिए इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम जो पीस के रखे थे टमाटर उसे डाल देंगे और इसे भी हम चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद हम जो मसाला पीस के रखे हैं उसे भी हम डाल देंगे। ये हम मसाला डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच नमक और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर डाल दिए हैं। अब हम इसे चलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे। ये मसाला पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ राजमा और इसे चलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे। अब कुछ देर ढक के पकाएंगे इसे 2 मिनट के लिए। देखिए मेरा राजमा मसाला बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। बाय दोस्तों।